नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां साथियों, मध्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर अंगले सामने आई है। जैसे उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो चलते हैं खबर की। हम आपको बता दें, बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बनाई चुनाव प्रबंधन समिति। जी हाँ साथियों, नहीं दी किसी भी महिला को जगह। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए बहुत ही बड़ी रणनीति बनाने जा रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इकाई ने प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 26 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। शनिवार रात इसकी घोषणा बड़ी ही, एक समिति 5 मंत्री सदस्य भी शामिल किए गए हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस रणनीति के संयोजक बनाए जाएंगे। समिति के प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल भी हैं। इन सभी नेताओं की वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता कायम रह सकती है। इसी के बीच मुख्यमंत्री सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की हर एक महिला को मिल रहा है, जिसमें अब वो 1500 की बजाय 2000 रुपए करने जा रहे हैं। जैसा इसी के साथ और अन्य योजनाएं भी मध्य प्रदेश में संचालन हो सकती हैं। जैसा वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो में।